तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सैकत और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासाना बर्ड सर्विस में करता हूं बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं यहां पर हम लोगों का एक पार्सल आ चुका है जो कि आया है भोपाल से डायरेक्ट आसनसोल। ठीक है, और देखिए यहां पर नीचे यह सामने मेरा नाम भी लिखा हुआ मिस्टर सैकत, मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये सरजी का भोपाल का सरजी का फार्म से आया मेरे फार्म पर डायरेक्ट। इनको एवेरी में छोड़ेंगे अभी, क्या है पहले वो दिखा देते आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ, तीन बेयर आई कॉकाटूज है, एक दो और एक तीन, तीनों के तीन बेयर आइड कॉकाटूज है जो कि एक फीमेल है, ये ऊपर वाला फीमेल है सरजी ने जैसे बताया, और नीचे का दो जो है ये मेल है। इन सबका भी अभेरी में रिलीज करेंगे। ठीक है, और ये आ गया मिमी हम लोगों का कंधा पे, सबसे पहले मिमी आ गया है, बाकी तो कॉकाटूज और भी है, बहुत सारे अभेरी में कॉकाटूज हो गए हैं और अभी इन लोग को भी रिलीज करेंगे और अभी इनको अनबॉक्स करेंगे। मतलब देखिए अभी इसका जो पैकिंग था खोल दिए हैं और मिमी सबसे पहले आ गया, इधर एक कॉकाटूस भी आ गया, इधर भी है गाला भी आ गया, पीछे मैंगोस भी देख रहा। अभी सबको बाहर निकालेंगे, सबसे पहले इस फीमेल को बाहर निकालते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ, काफ़ी दूर से आए हो, निकल जाओ, चलो बाहर आओ, चलो। वाओ, एक बियर आई का फीमेल निकला, काफ़ी दूर से आया ना, सफ़र करके लगभग भोपाल से आया है। और देखिए अभी एक मेल भी निकलेगा, चलो। हाँ चलो, और एक अभी दूसरे तीसरे को निकलने वाले, चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चलो चलो। वाओ, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। देखिए इस केज में भोपाल से, इस केज में भोपाल से कल लगभग बर्ड्स चढ़ा था कल सुबह को, और आज सुबह हम लोग का आसनसोल स्टेशन पे आके पहुंचा है और अभी लाके इन लोगों को रिलीज़ कर दिया। अभी सर जी को जो है वीडियो कॉल करके भी दिखाएंगे कि तीनों बेयर आई अवेयर में रिलीज़ करने के बाद देखिए तीनों बेयर आई कितना अच्छा लग रहा है। एक फीमेल इधर है, ठीक है, बाकी दो मेल ऊपर है। थोड़ा सा घूमेगा ठीक हो जाएगा, अभी तो सफ़र करके आया है थोड़ा, इसीलिए गंदा वगैरह हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा बाहर रहेगा, नहाएगा कल से एक बार, रोहित कल इसको स्प्रे कर देना थोड़ा सा नीम का पानी, रोहित कल इसको स्प्रे कर देगा, तीनों को एकदम फ्रेश हो जाएगा तब। वाओ, काफ़ी सुंदर, बहुत खूबसूरत बेयर आइस कॉकाटू, बहुत खूबसूरत। मैंगो उधर रोहित को परेशान कर रहा, मैंगो इधर आ जा। ये देखिए फ्रेंड्स, एवेरी में कोई भी नया बर्ड्स आने का साथ साथ मैंगो मिमी ये सब आ जाता है देखने के लिए, और मैंगो जाके रोहित को परेशान कर रहा। और इधर रियो, रियो एक बार बात कर दो, लव यू बोल दो। हाँ, लव यू, लव यू बोल दो, लव यू रियो, लव यू, लव यू, आई लव यू रियो। रियो जो बहुत बात करने सीख गया एवेरी में, दिन भर बात करते रहता है रियो, क्या हुआ। चलो रियो, तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सैकत, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासाना बर्ड सर्विस में मैं करता हूं बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने एवेरी में से जो है तीन पेयर सनकोनी, और फुल एडल्ट हो गया था ये तीन पेयर सनकोनी, इन लोगों को अलग करके अभी रखा हुआ है इस केज में। ठीक है, और अभी इन लोगों का डीएनए भी मिल गया है, डीएनए भी सबका मिल चुका है, तो अभी क्या करेंगे, एक एक पेयर करके ये तीन पेयर को भी हम लोग ब्रीडिंग सेटअप में बैठा देंगे, क्योंकि सनकोनी का ब्रीडिंग सेटअप, मतलब ब्रीडिंग सेटअप को और थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, इसीलिए ये सब तीन पेयर सनकोनी को भी अंदर अभी बैठाते जाएंगे, और उससे जो जो चिक्स निकलेगा वो सब हम लोग एवेरी में रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और देखिए पीछे मैंगो आ गया, मैं वीडियो बनाते तो मैंगो आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। मैंगो आओ, आओ सर, आओ, देखिए मैंगो तुम मेरे पास ही जाओ, आओ तुम मेरे पास आओ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वीडियो बनाने का टाइम मैंगो जो है डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अभी इस पेयर अफ्रीकन ग्रे, यहाँ पर एक पेयर अफ्रीकन ग्रे है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो कि फीमेल, मैंने फीमेल बहुत दिन से जो है केज में रहने की वजह से इसका सीना हल्का सा टान हुआ था, मतलब थोड़ा सा वीक हो गया था फीमेल, तो उसी को क्या किए फिर वहाँ से निकाल के, ब्रीडिंग सेटअप से निकाल के इस केज में रखे थे, और खाना पीना खाने के बाद अभी मेल फीमेल दोनों का दोनों बिल्कुल सही हो गया है। मैंगो चलो हटो, दोनों का दोनों पूरा हेल्थ जो है अच्छा हो गया। तो अभी सोचे हैं इन दोनों को इस रूम पे, यहाँ पे एवेरी का सामने जो ये रूम है ना, इस रूम पे यहाँ पे इन लोगों का ब्रीडिंग सेटअप रेडी करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये सब टूट गया है, सब हम लोगों का कॉकाटू का ही कमाल है ये सब। ठीक है, तो ये सबको थोड़ा सा रिपेयरिंग कल करेंगे, कल करके उसके बाद इसी के अंदर इन लोगों को ब्रीडिंग सेटअप, ब्रीडिंग बॉक्स डाल के यहीं पर उन लोग का ब्रीडिंग सेटअप करेंगे। और यहाँ पर जो ब्लू गोल्ड का पेयर था उसको देखिए हम लोगों ने एवेरी में रिलीज़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लाई करने का मकाऊ को जो है ना, थोड़ा सा मकाऊ
मैकाओ को जो है थोड़ा सा फ्लाई करने का जगह देना चाहिए, इतना छोटा जगह में मैकाओ को नहीं रखना चाहिए। इसलिए हम लोग ने सोचा कि जब तक ये हम लोग के पास है ये एवेरी में इसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और एवेरी भी अभी कुछ दिन बाद जो है एवेरी में थोड़ा सा रिपेयरिंग करवाएंगे, पेंट करवाएंगे, बहुत सारा काम बाकी है। इधर उधर हम निकल जा रहे बोल के काम अच्छा से नहीं हो पा रहा, और अभी टाइम मिला है कुछ दिन तो क्या करेंगे अभी एवेरी पूरा अच्छा से पेंट करा देंगे। और पेंट कराने के बाद जो भी रिपेयरिंग, मतलब यहाँ पे चूहा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चूहा बहुत ज़्यादा आके, रैट जो होता है बहुत ज़्यादा आके हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो सबको पहले जल्दी से जल्दी जहाँ जहाँ से चूहा घुस रहा, जैसे ये सब देखिए यहाँ सर, यहाँ पे तो मिमी वगैरह आके रह के पूरा ये सब काट दिया, और अभी एक अंदर कहाँ से चूहा ढुक रहा है इसके अंदर से, फिर इस रूम में जा रहा है और सारे बर्ड्स को हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ पर भी एक पैर अफ्रीकन ग्रे पैरोट है, ठीक है, अंदर इकलिप्टस का पैर है, सबका बॉक्स में देख रहे चूहा जाके बैठा हुआ। तो फिर ब्रीड जो है अच्छा से नहीं मिल पा रहा, अच्छा से क्या ब्रीड मिलेगा ही नहीं, अगर चूहा रहेगा तो ब्रीड होगा नहीं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जड़ से पूरा एकदम खत्म करना होगा चूहा का प्रॉब्लम, ताकि चूहा इस रूम के अंदर ना आ पाए, एवेरी के अंदर ना पाए, और आए भी तो फिर एवेरी के अंदर रहे तो फिर वो भाग जाएगा, उसके बाद उसको खाना मिलेगा नहीं वहाँ पे, यहाँ पे रहेगा तो दिख जाएगा तो भाग जाएगा। इस ब्रीडिंग सेटअप के अंदर, कोई भी ब्रीडिंग सेटअप के अंदर चूहा नहीं जाए, इसका हम लोग को बंदोबस्त करना होगा, ठीक है। और अभी देखिए हम लोग का जो बेयर एग कॉकाटूस था वो सब अभी तीनों का तीनों यहीं पर है, एक फीमेल है, एक मेल इधर है, और एक मेल उसके ऊपर बैठा हुआ, देख लीजिए सारे पेयर बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मकाउस भी बहुत अच्छे से मिल, वो लोग दोनों जो मकाउस को निकाले थे वो लोग भी देखिए काफ़ी अच्छे ऊपर घूम रहे हैं, एक इधर है एक ये है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है सनकुनूर का पेयर सबको निकाल के पकड़ के अभी ब्रीडिंग सेटअप में रिलीज कर देंगे और ब्रीडिंग में बैठा देंगे। देखिए सारे का सारे फुल्ली एडल्ट हो गया, कितना खूबसूरत कलर है, देखिए फुल एडल्ट हो गया, कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, सारे के सारे रेड सेक्टर में, दो अभी पकड़ा गया है, ठीक है, और एक तीन भी आ गया है। इन सब को पहले रिलीज कर दो इसके अंदर, अब ये वाला केज में रख के सबको लेके जाएंगे, दो दो पेयर करके, मतलब एक एक पेयर करके ब्रीडिंग में रोहित बैठाते जाएगा, ठीक है, सबका DNA कार्ड के साथ मैच करके इन लोग को रिलीज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल कलर, रोहित ही सर, देखिए बहुत ही खूबसूरत, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबको पकड़ लिया गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा अच्छा रेड फैक्टर में है सब संत में, सबको पकड़ के अभी अंदर रखेंगे हम लोग ब्रीडिंग सेटअप में, अभी रिलीज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम लोग का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग का मोबाइल या कंप्यूटर तक आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स इसी वीडियो से हम धीरे धीरे सबको रिलीज कर देगा।